हेलो गाइस, मैं हूँ जोगिंदर और आप देख रहे हैं राज दया क्लास। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलसीएम के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। मैं एलसीएम के बारे में एक वीडियो पिछले भी बना चुका हूँ और यहाँ फिर से हम एलसीएम सीखेंगे। देखिए, वहाँ पर मैंने आपको चार स्टेप बताए थे एलसीएम के, यहाँ पर उससे आगे वाला स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है 24 36 40 का, आपको क्या निकालना है? इसमें एलसीएम निकालना है। तो अब इसमें ऐसी वैल्यू आ गई है जिसमें ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से कभी नहीं कटेंगी। जैसे यहाँ पर आपका 24 से 36 नहीं कर सकता, 24 से 40 भी नहीं कर सकता और 36 से 40 भी इसमें डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इन पर विचार ये करना है कि ये तीनों वैल्यू किस वैल्यू से डिवाइड होंगी, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी जिससे जो है वह आपकी डिवाइड हो सकती है। देखिए, दोनों तीनों वैल्यू जो है वो 2 के टेबल से कट जाएंगी और 4 के टेबल से भी कट जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम 2 के टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, बड़े टेबल का यूज़ करेंगे, 4 का। देखिए, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 9, तो सॉरी, 4 6 24, 4 9 36 और ये 4 3 40। तो एक तो इसमें हमें 4 है इसका यूज़ करना है, जिससे हमने भाग करी है उसका यूज़ करना है। बाकी 6 9 10, 6 9 10 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब आप इसका एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका 6 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, इन सब का देखिए 9 दाम कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। 90 6 के पहाड़ में भी आएगा, 9 के में भी आएगा और 10 के में भी आएगा। तो इन सब का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, वो 90 आएगा। अब इस 4 की और 90 की गुणा और कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 360, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 36 और 40, इन सब का एलसीएम कितना आ गया आपका, 360 आ गया है। इस तरह से करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा है 3 5 7 और 13 का एलसीएम। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये वे वैल्यू है जो कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगी। ना तो इसमें 5 को आप 3 से काट सकते हैं, ना 5 से 7 को, 7 से 13 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। और एक तरीके से प्राइम नंबर्स भी हैं आपके, यानी कि अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको करना क्या है, ऐसी दो स्थिति में दोस्तों आपको इन सब की केवल क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 की 7 की और किसकी, 13 की। तो वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए दोस्तों कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा आपका कितना, 1365। इसका यही इसमें क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू ऐसी आती है जो नहीं कटती, तो उसमें लास्ट चांस हमारा क्या होता है कि उन सब की आपस में क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। और कुछ वैल्यू ऐसी होती है जहाँ पर हम कुछ छोटा करके उसे कर सकते हैं। तो एलसीएम इस तरह का होता है। अब हम एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो गाइज, अब हम देखें यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम निकालना सीखेंगे। भिन्न देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, ऐसे फिर हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा, तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपको जो ऊपर वाली संख्या है इनका एलसीएम निकालना है। देखिए, आप 2 3 और 4 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा। देखिए ट्रिक कितनी आसान है, 2 से आपका 4 डिवाइड हो सकता है और 3 से आपका 9 डिवाइड हो सकता है। तो हमने यहाँ से 2 और 3 को हटा दिया, बाकी बचते आपके 2 नंबर। तो इन दोनों की क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 4 और 9 की मल्टीप्लाई कराया कितना, 36। एलसीएम कितना आ गया इसका, ऊपर वाली संख्या होगा 36 आ गया, लेकिन नीचे वाली संख्या होगा आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ऊपर वाली संख्याओं का निकालना क्या आपको, एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना आपको, एचसीएफ। तो भिन्न वाली संख्याओं में आपको करना क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो हमने ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया, 36 आ गया। अब नीचे वाली संख्याएं हमारी कौन कौन सी, 3 5 7 और 13, इनका एचसीएफ और निकालेंगे दोस्तों। एचसीएफ देखे दोस्तों इनका कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सभी नंबर्स के आपके अभाज्य संख्याएं हैं। और एचसीएफ क्या होता है, जितनी भी ये वैल्यू है सब एक किसी एक संख्या की टेबल में आनी चाहिए। तो ये कोई सा भी नंबर किसी भी टेबल में नहीं आएगा, केवल एक के पहाड़े को छोड़ दिया जाए तो इसलिए इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो आपको इससे इसे क्या करना, भाग करना, भाग करके कितना आएगा इसका एलसीएम, 36 ही आएगा। तो दोस्तों, भिन्नों वाले सवाल का एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। आपको याद क्या रखना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ।
नीचे वाली संख्या आपकी कैसी है, सब प्राइम नंबर्स है, 3, 5, 7, 13, ये किसी भी एक संख्या के पाड़े में नहीं आएंगी, इसलिए इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ ऊपर वाली संख्या है 2, 3, 4, 9, इनका एचसीएफ कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर अभी हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना, तो यहाँ भी हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। देखिए 1, 2, 5, 4 इन सब का एलसीएम कितना आएगा वो निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कैसा आएगा 20, देखिए 2 से 4 कट सकते, तो 2 को हमने काट दिया, बाकी 2 नंबर बचते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है आपको, वो लेना है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसके टेबल में ये सभी वैल्यू आपके नीचे की आएंगी, यानी कि उसके टेबल में 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, 6 भी आएगा और 27 भी आएगा। देखिए 27, 6, 9 के टेबल में 3 तो आ नहीं सकता, लेकिन 3 के टेबल में ये सभी वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसका जो एचसीएफ कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या कितना हो गया दोस्तों, 20/3। तो इसका एलसीएम और ऊपर संख्याओं का एलसीएम निकालना आपने सीख लिया होगा, क्योंकि भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको स्टेप सिर्फ यही याद रखना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। आई होप दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइज देखिए, अब हम यहाँ पे पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वे काउंटिंग में क्या है, बराबर है, क्या है काउंटिंग में बराबर। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं। तो सभी संख्याओं में पॉइंट के बाद दो दो अंक होने जरूरी हैं। तो जितनी बड़ी संख्या होगी पॉइंटों में डिजिट, उतने ही अंक आपको लेने हैं। तो यहाँ पर 2 अंक करने के लिए हम क्या लगा देंगे, अपने पास से 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाने से संख्याओं पर कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। अब देखिए आपको करना क्या है, इन सब का एलसीएम लेना आता है। एलसीएम लेने से पहले आप करेंगे कि इनका पॉइंट हटाकर इनके बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने से क्या आएगा, इनके बटे में 100 ही आएगा। अब आपको इन सभी संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम ही लेना है। तो देखिए 12, 30 और 16 का एलसीएम क्या होगा, आप इनकी गुणा कर लीजिए, 12 और 30 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। 480 में आप क्या कर दीजिए, 12 की गुणा कर दीजिए। देखिए 12 0 12 8 कितने होते हैं, 96, 12 4 48, 48 9 कितने हो गए आपके, 57, और बटे में कितना, अब यहाँ बटे में क्या आएगा, 100 100 100 का क्या लेना आपको, एचसीएफ लेना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ ले लीजिए, कितना आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि 100 का टेबल ही है जो 100 को डिवाइड कर देगा। अब इससे आपको बस इसमें डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 57.60, ये इसका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ भी क्या है, पॉइंट वाले सवाल है, और यहाँ भी आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद 1 अंक है, और यहाँ 3 अंक है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 अंक है। तो यानी कि डिसबैलेंस है, जिसका आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। पॉइंट के बाद जो है काउंटिंग में डिजिट कितनी होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए संख्याओं में। तो यहाँ पर 3 0, यहाँ 3 अंक करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसके बाद 2 0 और लगा देंगे। यहाँ पर इसमें आप क्या करेंगे, ये तो है ही खुद सबसे बड़ा नंबर, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, 0 3 0 लिख देंगे। अब इनका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 200, 200 के बटे में कितना आएगा, 1000। यहाँ 6 के बटे में भी कितना आएगा दोस्तों, देखिए 1000, और यहाँ 3 के बटे में भी कितना आएगा दोस्तों, देखिए 1000, सबके बटे में आपको 1000 लगाना, और ये कितना जाएगा आपके यहाँ पर, 30 हो जाएगा। तो आपको 206 और 30 का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, 6 से आपका 30 कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा ना 5 बार, तो आपको इस 6 को तो कैंसिल कर देना, इस 6 को आपको कैंसिल कर देना है। तो बस आपको करना क्या है, इस 30 का और 200 का एलसीएम लेना है। 30 और 200 का जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों आपको कितना आएगा, 600 आएगा। अब नीचे जितनी भी संख्या है, नीचे वालों का तो जो एचसीएफ होता है वो यही होता है जो नीचे आएगा, इस तरह के सवाल में 1000 आएगा। अब 1000 से आप भाग करते हैं, कितना आएगा, 0.6, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। और इसके लिए आपको हमारे बेल आइकन को भी दबाना होगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है, इसका जवाब आपको अपने कमेंट में देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।